hungry. Me too. Let's make a pizza. Okay. I love pizza. It's delicious. Let's make a pizza, you and me. I love pizza, it's yummy. Let's make a pizza, you and me. I love pizza, it's yummy. सबसे पहले हम लेंगे 1 cup hot water. फिर हम उसमें add करेंगे 2 teaspoon dry yeast और 2 teaspoon sugar. इसे अच्छे से mix कर लेंगे और यीस्ट के एक्टिवेट होने तक इसे साइड रख देंगे. अब हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो गया है और ये सरफेस पे काफी फ्रॉथी हो गया है, इसीलिए अब हम लगाएंगे अपना बाकी का डो. पिज्जा डो लगाने के लिए हम अपने यीस्ट में ऐड करेंगे 4 cups मैदा. फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. करेंगे 6 tablespoons ऑलिव ऑयल, 2 hours तक रेस्ट होने देंगे. हम लेंगे 20 राइप टमेटोस. यहाँ मैं 4 large पिज्जास के लिए सॉस बना रही हूँ, इसीलिए मैंने टमेटोस की ज्यादा क्वांटिटी ली है, मगर आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें. सबसे पहले हम अपने टमेटोस के नीचे एक्स मार्क बना लेंगे. हमारे सारे टमेटोज रेडी है. अब हम अपने टमेटोज को बॉईल करने रख देंगे. हम इन्हें तब तक बॉईल करेंगे जब तक इनका स्किन पील ना होने लगे. अब हमारे टमेटोज अच्छी तरह से ब्लांच हो चुके हैं. अब हम टमेटोज को थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देंगे. टमेटोज कूल होने के बाद हम उनके स्किन को पील कर लेंगे. इसी तरह हम सारे टमेटोज के स्किन को पील कर लेंगे. हमारे सारे टमेटोज पील होके रेडी हो गए हैं. अब इनमें से आधे टमेटोज को हम एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका प्यूरी बना लेंगे. अब हमारा टमेटो प्यूरी रेडी हो गया है. अब हम अपने बाकी टमेटोज को कट करके उनके अंदर का ये सीड्स रिमूव कर देंगे. सीड्स रिमूव करने के बाद हम अपने टमाटो को छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे. इस तरह से हम अपने सारे पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे. चॉप हो जाने के बाद हम एक पैन में अपने ऑयल को हीट करेंगे. ऑयल हीट हो जाने के बाद हम अपने उसमें गार्लिक ऐड करेंगे और उसे सॉटे कर लेंगे. गार्लिक जब अच्छा है गोल्डन कलर का हो जाए तब हम उसमें अपने अनियन ऐड कर लेंगे. कलर चेंज होने तक इन्हें भी सॉटे करें. अनियन अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद हम अपने चॉप और डिसीडेड टमेटो इसमें ऐड करेंगे. इन्हें मिक्स कर लेंगे. टमेटोज थोड़े मिशी ना हो जाए. टमेटोज
जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना टमाटर प्यूरी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, शुगर, चॉप्ड बेसिल लीव्स और इसे मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा चिली पाउडर, ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा टमाटो केचप और स्टोर बॉट पिज्जा पास्ता सॉस। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा और टमाटो केचप यूज कर सकते हैं। सॉस के थोड़ा थिक होने तक हम उसे ऐसे चलाते रहेंगे। इसका टेस्ट और इनहेंस करने के लिए आप एंड में इसे थोड़ा बटर से भी गार्निश कर सकते हैं। अब हमारा पिज्जा पास्ता सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है, ये फूल के ऑलमोस्ट डबल दी साइज हो गया है। तो हम इसमें से हवा निकालने के लिए पहले इसे थोड़ा पंच करेंगे, थोड़ा और प्लेन फ्लावर के हेल्प से इसे एक बार और नीड कर लेंगे। अब हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इसका एक पोर्शन लेंगे और सूखा मैदा के हेल्प से उसे रोल करेंगे। हम इसे हाथ से स्ट्रेच करके अपने पिज्जा के शेप में ले आएंगे। अब हम इसके एजेस को थोड़ा टकिंग कर देंगे, इसके बाद हम एक फोक लेकर इसके बेस पे थोड़े होल्स कर देंगे। अब हमारा पिज्जा बेस रेडी है, इसके ऊपर हम अपना पिज्जा सॉस स्प्रेड करेंगे। पिज्जा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक ग्रीस ट्रे में रख के फिर ओवन में डालें। अब हम अपने पिज्जा को 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। तो अब हमारा पिज्जा रेडी है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी कम अप विथ न्यू रेसिपीज़ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। स्टे ट्यून्ड।